अंतर है। मैं 1977 में एमएलए बन के आया, इंडिया गेट के किनारे पैदल टहल रहा था। एक बड़ी गाड़ी में एक बड़ा कुत्ता जा रहा था, वो अपने मुंह को निकाल के जी लपलपाते जा रहा था। मैं गांव का आदमी खड़ा होकर सोचने लगा, एक कुत्ता जरूर कुछ कह रहा है। मैं एमपी था, कभी दिल्ली देखा नहीं था। मेरे अंदर से आवाज आई कि कुत्ता कह रहा है कि ए, तू गांव का किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा, दलित, तू क्या जन्म लेके करने आया है? तुझसे मैं सौभाग्यशाली हूं। देख, मैं ठंड गर्म गाड़ी में बैठा हूं, केक खाता हूं, ऑमलेट कटलेट खाता हूं, गद्दे पर सोता हूं। तुमने देखा हिंदुस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूं। उस दिन मुझे लगा कि इस हिंदुस्तान के बड़े लोगों के कुत्ते भी मुझसे अच्छी जिंदगी जी के रहे हैं और मुझे उस जिंदगी से भी बदतर जिंदगी जिलाने वाले कोई नहीं है, आप हैं। राज किया आपने, मैं आंदोलन किया, जेल में गया, जेल में सराया। आज भी पूर्वा हवा चलती है तो आपके पुलिस की लाठी से जो हड्डी में चोट है वो कहीं ना कहीं दर्द करने लगता है। तब मुझे ऐसा एहसास होता है कि जिस राज में मुझे इतना कष्ट मिला था, अगर मेरा बस चले तो उस राज को सदा सर्वदा के लिए हिंदुस्तान से उखाड़ के गया जी में जाके पिंडदान कर दूं, जो फिर निकलने न पाते। क्या बात करते हैं साहब, आपसे मैं आखिर में नहीं जाऊंगा। आप योजना आयोग की बात कर रहे थे, मैं अपने गुरु डॉक्टर लोहिया की बात को आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। मैं नहीं बोलता, मुझे तो उन्होंने दृष्टि दी थी। इसी लोकसभा में 6 सितंबर 1963 को एक बहस हुई थी, ख्याल रखिएगा, जिस बहस ने पंडित नेहरू को भी हिला दिया था। वो बहस थी 3 आना बनाम 15 आना का। लोहिया ने कहा था, मैंने 27 करोड़ हिंदुस्तान के लिए 3 आने रोज की आमदनी कही, प्रधानमंत्री ने 15 आने रोज की और योजना मंत्री ने 7.5 आने रोज की। अब प्रधानमंत्री और योजना मंत्री आपस में निपट लेंगे कि दोनों में कौन सही है। यही आंकड़े है योजना आयोग के। प्रधानमंत्री का 15 आना, योजना आयोग के मंत्री का है 7.5 आना। जिस योजना आयोग को यह भी नहीं पता 15 आना सही कि 7.5 आना सही, प्रधानमंत्री सही कि योजना मंत्री सही, उसी योजना आयोग को सर पर ढोते रहो। जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लगा काई तो दर्श कहां से पाई। क्या बात करते हैं साहब, इस हिंदुस्तान में अगर किसी का, मैं प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, मैं भुक्तभोगी हूं, जिस रोग से मैं पीड़ित हूं, कहीं ना कहीं उस रोग से आप भी पीड़ित हैं। वीरप्पा मोइली जी, आप भी पिछड़े वर्ग से हैं, मैं भी पिछड़े वर्ग से हूं। का दुख जाने दुखिया की, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बीमारी, सोका जाने पीर पराई। आपके मलकार झुंझी भी उसी दलित समाज से हैं। आपने सामाजिक पीड़ा को झेला नहीं है, भोगा नहीं है। इस हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी चीज अगर रही है सनातन काल से, तो वह हिंदुस्तान की जाति प्रथा। उस जाति प्रथा के कारण क्या क्या नहीं भोगा हमने और क्या नहीं भोगते हैं। अभी अभी चुनाव हो रहा था, श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई कह रहा था, मेरे दुकान, मेरे ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा देते हैं, फुटपाथ पर जाओ चाय की दुकान के लिए दुकान दे देते हैं, और कुछ कहने के लिए नहीं मिलता है लोगों को, नहीं मिलता है क्या? क्यों उपहास करते हो? मैं लोकसभा में हूं, अगर कोई कहे शरद यादव गए थे चुनाव लड़ने के लिए अमेठी में, लोकदल से नारा लगा था शरद यादव वापस जाओ, लाठी लेके भैंस चढ़ाओ। कर्पूरी ठाकुर जैसा नाई का बेटा गरीब, जिसके नेतृत्व में मैं बिहार में इतना परिवर्तन किया, वो बिहार का मुख्यमंत्री बना, 27% आरक्षण दिया, हाई स्कूल तक फीस माफ किया, मिडिल स्कूल तक फीस माफ किया, 5 एकड़ से मलगुजारी माफ किया, और कर्पूरी ठाकुर के लिए नारा लगा था, कर्पूरी ठाकुर दिल्ली जाओ छुड़ा लेके सैलून खोलो। क्या क्या नहीं सहा हूं, क्या क्या नहीं देखा हूं। इसलिए दिल के अंदर वो दर्द और पीड़ा है। क्या फिर कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है, क्या हिंदुस्तान के पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने अपराध किया था कि उसमें जन्म लिया?
किसी ने भगवान के यहां दरखास्त दिया था कि मुझको तेली बना दो, मुझको लोहार बना दो, मुझको कुर्मी बना दो, मुझको कहार बना दो, मुझको अहिर बना दो, मुझको कलवार बना दो, कोई दरखास्त देके तो नहीं आया। आज वित्त मंत्री जी को धन्यवाद दे दूंगा, प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने बजट में कुछ ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे हिंदुस्तान के जाति प्रथा के बंधन को ढीला करने का अवसर मिलेगा। जब उनके आर्थिक चेतना बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा, तब जब गांव में पैसा जाएगा, तब गरीब के हाथ में रोजगार जाएगा, तब उनकी आर्थिक उन्नति होगी, तब कहीं जाकर उनके जीवन में विकास होगा। आपने सोचा कि गांव का विकास कैसे होगा? क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना कोई मामूली है? खर्च पर पाबंदी लगाते हुए डॉक्टर लोहिया ने इसी लोकसभा में बहस करते हुए पंडित नेहरू से कहा था, मैं कुछ नहीं चाहता, ये काम कर दो, सारे लोगों के, बड़े लोगों के खर्च पर सीमा लगा दो, आय पर, आमदनी पर नहीं, खर्च पर सीमा लगाओ, इससे अधिक खर्च नहीं करेगा, और उससे जो पैसा बने उसके एक सिंचाई योजना बनाओ और 20 साल का बॉन्ड बनाओ। मैं कुछ नहीं कहता, केवल हिंदुस्तान के हर खेत में पानी पहुंचा दो, हिंदुस्तान की तरक्की हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया इसी सदन में कहे थे, वो तो अग्रवाल थे, बनिया थे, उनको क्या जरूरी थी इस बात को बोलने का, लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के गरीब, निर्धन, निर्बल और पिछड़ों का इस युग में अगर एकमात्र राजनीतिक मसीहा पैदा कोई लिया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने जगाया, नेतृत्व को पैदा किया गांव के गली से। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना से हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, डॉक्टर लोहिया ने कहा, एक बीघा खेत और एक गाय, अपनी खेती अपनी राय, हम तो ये लड़ते आ रहे हैं, आ रहा जो सपना साकार हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि सवाल है दृष्टि का, दिशा का और संकल्प का। आपकी दृष्टि कुछ और थी, अब दृष्टि बदली है। हिंदुस्तान के गांव के गरीब, पिछड़े, दलितों ने मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से द्वारका धाम तक, इस आसान मान के साथ, आपके आपके शब्दों में, जिनको आप अपने ऑफिस के आगे चाय की दुकान खुलवा रहे थे, वो चाय की बेचने वाला, रेल के फुटपाथ पर पानी पिलाने वाला गरीब निर्धन, जिनकी मां मजदूरनी का काम करती थी, ऐसे के बेटा को भारत का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया कि नरेंद्र मोदी आएगा, भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर के भाग्य चमक जाएगा। उन्होंने इसलिए सपना को देखा है। वो हो जाएगा क्या? ये 9 महीना में हो जाएगा? आप नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, वर्षों तक समाजवादी आंदोलन में लड़े, कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी अवैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो, इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई,